हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप फ्रॉड है या नहीं है, ये सीरीज़ का ये फिफ्थ पार्ट है। आप पहले के फोर पार्ट भी देखिए और आने वाले पार्ट भी देखिए तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा और आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फ्रेंड्स, ये बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको कल के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि वन डे से टेन डेज में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप पे और एक एलिगेशन ये भी लगता है कि इसमें DIs मतलब म्यूचुअल फंड का कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है या बहुत ही निग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, ये बात तो सही है। आप जानते हैं कि काफ़ी कंपनियां होती है जिसमें घरेलू निवेशक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का DIIs का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी अच्छा होल्डिंग होता है। और मेरा ये मानना है कि ये कंपनियां बहुत ज़्यादा, एक तो ये लोकल कंपनियां होती है तो ये काफ़ी अच्छा रिसर्च करके कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करती है। सरप्राइजिंग बात यह है कि इसमें से काफ़ी कम कंपनियों का इसमें इन्वेस्टमेंट है ब्राइटकॉम ग्रुप में, जबकि ब्राइटकॉम ग्रुप के फंडामेंटल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, जो कि कोई भी देखेगा तो अंधा भी कह देगा कि भाई इससे अच्छी कंपनी तो स्टॉक मार्केट में हो ही नहीं सकती है। उसके बावजूद भी इसमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग नहीं के बराबर है। जी हाँ, इसमें कुछ होल्डिंग है, मोतीलाल ओसवाल की है, निप्पो की है, बट ICICI की थोड़ी बहुत है, HDFC की एकदम ही निग्लिजिबल है और कोटक ने पूरा एग्जिट कर दिया है। तो अब सवाल ये आता है कि ये लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स या हाउसेस बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं। तो इनको पता नहीं है क्या कि ब्राइटकॉम ग्रुप का जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है बहुत ही बढ़िया है, उसके बावजूद भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड हाउसेज में भी नंबर 3-4 की जो कंपनियां हैं जिनके म्यूचुअल हाउस जो अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना के देते हैं वो है HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक। ये कंपनियों का इन्वेस्टमेंट रहा तो हम समझ सकते हैं कि भाई कंपनी में कुछ दम है, बट इनका होल्डिंग बहुत ही नहीं के बराबर है ब्राइटकॉम ग्रुप में। निप्पो का है, निप्पो देखिए, मैं पहले भी बताया था मैंने एक वीडियो बनाकर कि निप्पो ये अनिल अंबानी जी की जो कंपनी थी रिलायंस कैपिटल, उसको टेक ओवर किया था निप्पो ने। अब उसके फंड मैनेजर ने बाद में इसमें उसको चेंज किया या नहीं किया है पता नहीं, बट उनकी होल्डिंग है इसमें थोड़ी बहुत, और मोतीलाल ओसवाल की है। अब सवाल ये आता है कि इन लोगों में से ये लोग जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं जैसे HDFC, ICICI, इन्होंने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया है या थोड़ा बहुत क्यों किया है? उसका कारण ऐसा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप इज़ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ निफ्टी एंड BSE इंडेक्सेस। तो ये जब वो इंडेक्स फंड बनाते हैं तो इनको कंपलसरी हो जाता है कि थोड़े बहुत शेयर उसके बाय करने पड़ते हैं उनको प्रोपोर्शन में। फिर भी HDFC, ICICI ने वो प्रोपोर्शन में बाय ना करते हुए एक दिखाने के लिए कि हमारा होल्डिंग पूरा, हमने जो इंडेक्स फंड है उसको पूरा मेंटेन किया है, वो हिसाब से कुछ शेयर्स इसमें बाय करके रखे हुए हैं, ना कि करोड़ों में शेयर्स बाय करके रखे हैं। ICICI ने कुछ लाख में, बाकी थाउजेंड्स में कुछ फंड के, और HDFC के तो लिटरली 5-6,000 शेयर्स हैं, जो कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर के पास भी इतने शेयर्स हैं। तो इसीलिए ये लोगों ने भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो ज़रूर ये एक बात सोचने वाली होती है कि इनको ये जो इनको पता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप इतना अंडर वैल्यूड शेयर है तो इसमें इन्वेस्ट क्यों नहीं करते वो लोग, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, TV पे भी, वो जी बिजनेस हो या CNBC आवाज़ हो या कोई भी ट्यू, उस पर किस पे भी अगर पूछा जाए ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या या क्या करना चाहिए, हर एक एक्सपर्ट यही बोलता है उससे दूर रहो, उससे एग्जिट कर जाओ, फ्रॉड कंपनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है। तो वो लोग भी काफ़ी निगेटिव बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं TV पे। आप कोई भी YouTube पे जाके डालिए ब्राइटकॉम ग्रुप वीडियोज़ में, तो जो TV पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सभी लोग इसको इन्वेस्ट करने से मना करते हैं। तो हो सकता है उसके पीछे उनका कोई रीज़न होगा, नहीं तो वो मना नहीं करते थे। बट DIIs का मतलब म्यूचुअल फंड का होल्डिंग इतना कम है, ये सोचने वाली बात है, ज़रूर है। अब ये कब बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, ये बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे वाले देखने वाली बात होगी, बट अभी तो उनका होल्डिंग बहुत कम है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है।